हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। एंड इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस आस्क्ड इन द एग्जाम हेल्ड ऑन 10th October 2021। ओके, और कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। हाँ जी, कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं एंड इन दिस पार्ट आई विल डिस्कस द फर्दर क्वेश्चंस। ओके, सो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। यस, क्या है क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन नंबर तक मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। 41 से 44 इंग्लिश के क्वेश्चंस थे और उसके बाद आपके पास में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, और सेट ए हम डिस्कस कर रहे हैं। हाँ जी, कौन सा सेट डिस्कस कर रहे हो? सेट ए। सेट ए के इससे पहले के सभी क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं ऑलरेडी। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या था आपके पास। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल आपके पास गिवन है एंड देयर आर फोर प्लेयर्स ए बी सी डी। रन्स स्कोर्ड इन द फर्स्ट इनिंग, बॉल्स फेस्ड इन द फर्स्ट इनिंग। बॉल्स एंड रन्स गिवन है फर्स्ट इनिंग के एंड सेम फॉर द सेकेंड इनिंग। ओके, यस, बॉल एंड रन्स। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे, हु इज द फास्टेस्ट रनर स्कोरर इन द टेस्ट मैच। कह रहा है फास्टर रनर स्कोरर कौन था। फास्टर मीन्स वर्ड की जिसने कम बॉल्स के अंदर ज़्यादा रन्स बनाए वही फास्ट होगा, सिंपल सी बात है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अगर हम देखें कि हाँ जी मैंने फाइंड आउट करना है कि ऑन एवरेज कितना है, तो आप इसको 100 में से हम कंसीडर कर लें कि हाँ जी फर्स्ट इनिंग के अंदर टोटल अगर मैं 100 कंसीडर कर लूँ और सेकंड इनिंग के अंदर भी 100 बॉल्स कंसीडर कर लूँ, तो उसके अकॉर्डिंग उसने कितने कितने रन्स बनाए। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? यस, अगर मैं इसका फर्स्ट का 100 में से करूँ तो कैसे फाइंड आउट करोगे? 61 / 99 × 100। ओके, क्लियर? तो इसी तरह से हमने सबका फाइंड आउट कर लेंगे। ये मैंने यहाँ पे आपको कैलकुलेशन दे दी, प्रोवाइड कर दी। एक बार देखिए, एक अगर मैं देखूँ, यस दिस इज फर्स्ट इनिंग, 61 / 99 × 100, दिस विल बी 61.1 एंड इन द सेकेंड इनिंग दिस विल बी 14 / 76 × 100। तो ये अपने पास में वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18.4। अगर हम दोनों का टोटल करते हैं तो टोटल करके के बाद में आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? दिस विल बी 79.5 आउट ऑफ 200 बॉलिंग्स। ओके, 200 बॉल्स में अगर मैं ऑन एवरेज देखूँ तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू कितनी आ गई 200 में से 79.5। ओके, क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, अगर हम बी की बात करें, 5 out of 12, दैट मींस कि 100 में से कितना, 5 / 12 × 100 एंड दिस विल बी 41.6। ओके, एंड सेम वे 50 out of 85, 50 / 85 × 100 दिस विल बी 58.8। टोटल करेंगे दिस विल बी 100.4। सेम वे यू विल फाइंड आउट द वैल्यू फॉर सी एंड डी एंड यू विल सी दिस इज 60 एंड दिस इज 47.63। हेयर यू कैन सी कि सबसे ज़्यादा किसके हैं। हाँ जी, सबसे ज़्यादा स्कोर किसने किया है? बी ने। ओके, 200 बॉल में से सबसे ज़्यादा स्कोर किसका है? बी का है। दैट मीन्स वाट कि बी इज द फास्टेस्ट रनर स्कोरर, सो आंसर विल बी ऑप्शन बी। ओके, क्लियर? यस, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाफ ऑफ द विलेजर्स ऑफ ए सर्टेन विलेज हैव देयर ऑन हाउसेस। हाफ, हाफ मीन्स 50%। 50% का क्या है यहाँ पे, क्या कहा उसने? देयर ऑन हाउसेस। वन फिफ्थ ऑफ द विलेजर्स, वन फिफ्थ मीन्स व्हाट? वन फिफ्थ मीन्स 20%। ओके, 50% के खुद के घर है। यस, 20% ऑफ द विलेजर्स कल्टीवेट पैडी कल्टीवेट। ओके, वन थर्ड ऑफ द विलेजर्स आर लिटरेट। वन थर्ड ऑफ द विलेजर्स आर लिटरेट। वन थर्ड मीन्स 33.3% आर लिटरेट। यही गिवन है आपके पास में। डन। फोर फिफ्थ ऑफ द विलेजर्स आर अंडर 25। वन फिफ्थ मीन्स 20%। दैट मीन्स कि फोर फिफ्थ कितना हो गया आपके पास? 80% मीन्स 80% आर, यस, बिलो 25। अंडर 25 है ना, दैट मीन्स 25 ईयर से लेस एज के। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सर्टेनली करेक्ट। सर्टेनली करेक्ट मीन्स डेफिनेटली करेक्ट होगी ही होगी। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूँ, क्या कह रहा है? ऑल विलेजर्स Who have their own houses are literate. अब यहाँ पे देखें, 50% लोगों के पास में उसका खुद का घर है और literate तो सिर्फ 33.3%। That means कि सभी तो नहीं हुए। तो यहाँ पे यही है कि जो 16.6% जो लोग रह गए उनके पास तो खुद का घर नहीं है जो कि literate है। That means कि ये तो wrong हो गया। Okay?
सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, कह रहा सम विलेजर्स अंडर 25 ईयर्स आर लिटरेट, कह रहा है कि जो 25 ईयर से अंडर है वो कितने हमारे पास में 80%। ओके, अगर मैं चार्ट देखूं तो 80% अगर मैं कहूं तो ये 80% क्या है मेरे पास में 25 पर एज से कम है। यस, क्लियर। और साथ में उसने क्या कहा, आर लिटरेट, लिटरेट अगर मैं लिटरेट की बात करूं तो लिटरेट कितना है बेटा अपने पास में 33.3%। 33.3% अगर हम 33.3% की बात करें तो ये वाला जो हिस्सा है अपने पास में, ये यहाँ पे मैंने ये अगर 80 है तो ये कितना है 20%। ठीक है, दैट मीन्स कि ये इस 20% के अंदर तो पूरा लिटरेट कवर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना ये पूरा। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा कुछ और भी ऐड होगा तभी 33.3% बनेगा। ओके, दैट मीन्स व्हाट, कि ये वाला जो हिस्सा है ये दोनों में कॉमन है, कॉमन है, दैट मीन्स कि सम का क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है यहाँ पे आपका। तो क्या आ जाएगा, सम विलेजर्स अंडर 25 ईयर एज आर लिटरेट, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ऑप्शन बी जिन जो जो करेक्ट करके आए हैं उनका बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, यस, कंसीडर टू स्टेटमेंट्स एंड ए क्वेश्चन। स्टेटमेंट वन, द लास्ट डे ऑफ द मंथ इज वेडनेसडे। ओके, सेकेंड ऑफ स्टेटमेंट, द थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ वाज 17th डे। ओके, नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज व्हाट डे इज 14th डे ऑफ द गिवन मंथ। हमने क्या फाइंड आउट करना है, 14th डे, 14th डे क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या कहा है फर्स्ट ऑफ स्टेटमेंट के, द लास्ट डे ऑफ द मंथ इज वेडनेसडे। अब लास्ट वेडनेसडे है, लास्ट क्या है वेडनेसडे। अब लास्ट के अंदर मुझे नहीं पता कि हाँ जी मंथ कौन सा है, दिस मे बी 31st, ओके, दिस मे बी 30th, दिस मे बी 29th, दिस मे बी 28th। दैट मीन्स कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये सेटिस्फाई नहीं कर रही कि हाँ जी हमें इससे पता चल जाए कि 14th डे कौन सा होगा, नहीं बता सकते। दैट मीन्स कि फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन इज नॉट सेटिस्फाइड। ओके, सेकेंड है अपना, द थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ इज 17th डे। जो थर्ड सैटरडे है वो क्या है, 17th डे है। अब देखिए 17th डे को क्या पढ़ रहे हैं, सैटरडे। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट हमें ये बता रही है। अब देखो अगर मैं 17th डे है तो 16th, 15th और 14th, दैट मीन्स कि यहाँ पे मैं 14th डे तक पहुँच सकती हूँ। ठीक है, अगर ये सैटरडे है तो ये क्या होगा आपके पास, फ्राइडे। ओके, ये हो गया हमारे पास थर्सडे। ओके, और ये क्या हो गया आपके पास, वेडनेसडे। सिंपल, दैट मींस कि 14th डे ऑफ द मंथ विल बी वेडनेसडे। ओके, सो आंसर विल बी ओनली सेकंड स्टेटमेंट, ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर। सो आंसर आ जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, स्टेटमेंट टू अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। हाँ जी, बताइए किसी को कोई भी डाउट, आई होप सभी को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे आपके पास में। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था बिल्कुल, क्या था, विच डे ऑफ द इज द 10th अक्टूबर 2027। अब देखो, अब इस क्वेश्चन का दो तरीके से हम कर सकते हैं। नंबर वन, एग्जाम कब हुआ था आपका, सभी को पता है कि हाँ जी हमारा एग्जाम जिस दिन हुआ है उस दिन क्या डेट था, संडे था, संडे था, सभी को पता है। ठीक है, दैट मीन्स कि 10th अक्टूबर 2021 को क्या है, संडे है। ठीक है, अब देखिए क्या पूछा गया आपसे, 10th अक्टूबर 2027 को क्या होगा। अब देखो ये तो सेम है, दैट मीन्स कि इसकी वजह से तो ऑड डे बनेंगे नहीं। ठीक है, ये भी आपके पास सेम है मंथ भी, दैट मीन्स कि इसकी वजह से भी ऑड डे नहीं बनने हैं। ठीक है, अब जो ऑड डेज हमारे पास आएंगे वो किन की वजह से आएंगे, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द ईयर ओनली। ओके, तो अगर हम ईयर का देखें तो 21, यस, 21 से 27 के अंदर अगर मैं देखूं तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने के, एक साल के अंदर कितने ऑड डेज होते हैं बेटा, 1। ओके, इन वन ईयर आई हैव 1 ऑड डे, बट इफ द दिस इज लीप ईयर देन 2 ऑड डेज, सभी को पता है। दैट मीन्स व्हाट कि 21 को अगर मैं कंसिडर करूँ तो ऑड डे कितने हो गए हमारे पास में, यस, ऑड डे कितने हो जाएंगे आपके पास में, 1 2022 को अगर हम कंसीडर करें तो 1, 2023 को अगर मैं कंसीडर करूं तो 1, 2024 को हम कंसीडर करें तो ये देखिए क्या हो गया आपके पास में, लीप ईयर है, लीप ईयर है, दैट मींस कि 2 डेज हो गए।
1, 1, 1, and 2. Okay, now come on 24 ke baad 25, this is one odd day. 26 ke andar again one odd day. ठीक है, तो अब यहां से देखिए अपने पास में 2027. अब यहां पे देखो आपके पास में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आ गए हैं. हाँ जी, नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आ गए. अगर हम यहां तक देखें ऑड डेज कितने, 1, 2, 3, 4, 5 and 2, दैट मीन्स कि 7 ऑड डेज हैं. ओके, 7 इज डिविजिबल बाय 7, दैट मीन्स व्हाट, दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, 0 ऑड डेज. 0 ऑड डेज मीन्स क्या है कि वही सेम रिपीट होगा, सेम रिपीट होगा, दैट मीन्स कि क्या आएगा, संडे आएगा. तो आंसर क्या आ गया आपके पास में, संडे. अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में एक और बात आती है कि हाँ जी 2021 के अंदर तो फरवरी निकल चुका है. ठीक है, अगर हम बिल्कुल डेट टू डेट कंसीडर करें तो बेटा जो 2027 के अंदर फरवरी आ चुका होगा, तो यहाँ से हम ले लेंगे, बात वहीं पे ही आ जाती है, इसको कंसीडर कर लो या फिर यहाँ से कंसीडर कर लो. ओके, दैट मीन्स कि ओड डे 7 ही आएंगे आपके पास में. ओके, तो क्या आ जाएगा आपके पास, संडे आ जाएगा. बिल्कुल क्लियर है सभी को, कोई डाउट इसके अंदर, कोई डाउट नहीं है. ठीक है, तो और अगर इसको हम दूसरे तरीके से देखें क्वेश्चन को, अगर हम दूसरे तरीके से देखें जैसे हम करते आए आज तक, ठीक है ना, मीन्स कि मुझे नहीं पता कि हाँ जी 10th अक्टूबर 2021 को क्या था, संडे था, मान लो मुझे नहीं पता है. ठीक है, सब एक फ्रेशर स्टूडेंट के लिए, जिसके लिए कैलेंडर, जिसने, तो उसके लिए देखो 2027 है बेटा. ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे हम, 2000 प्लस 26 तक पूरा हो गया, उसके बाद क्या आएगा आपके पास, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर. ओके, अब देखिए 2000 तक और नंबर ऑफ ऑड डेज सभी को पता है कितने हैं, 0. ओके, अगर हम 26 देखें, 26 इयर्स के अंदर 4 लीप इयर्स होंगे, सॉरी आफ्टर 4 इयर्स लीप ईयर आता है. ठीक है, दैट मीन्स 4 6 24, 6 लीप ईयर्स होंगी, 6 लीप ईयर, और 20 कैसे हो गए आपके पास, ऑर्डिनरी ईयर्स, दैट मीन्स कि हम इसको कह सकते हैं 6 और 20. ठीक है, अगर 6 में बात करूं तो बेटा ये जो लीप ईयर है, लीप ईयर के अंदर नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं, 2, दैट मीन्स कि इसके लिए क्या आएगा आपके पास में, 2 आएंगे ऑड डेज. नंबर ऑफ ऑड डेज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इसके कितने बन जाएंगे आपके पास, 12, क्योंकि लीप ईयर के अंदर कितने ऑड डेज हैं, 2. ओके, ऑर्डिनरी के अंदर ऑड डेज कितने बनते हैं आपके पास, 20. सिंपल. अब उसके बाद में देखिए यहाँ पे आपके पास में क्या आ गया, जनवरी, जनवरी 31, हाँ जी कितने की होती है, 31 दिन होते हैं, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो गए, हाँ जी नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो गए आपके पास में, यस दिस विल बी 3. अब बात करते हैं हम फरवरी की, तो यहाँ पे हमें पता है 2017 क्या है, यस 2017 क्या है आपके पास में, ऑर्डिनरी ईयर है. अब ऑर्डिनरी ईयर है, दैट मींस कि ओड डेज कितने बनेंगे आपके पास में, 1. ओके, सॉरी 28 डेज होंगे ओड आपके पास में, कितना हो गया, 0. मार्च के 3, अप्रैल अप्रैल के 2, मई के 3, जून जून के हो गए आपके पास 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2 एंड अक्टूबर के कितने हो गए आपके, 27 का आपको फाइंड आउट करना है, 27 का आपको फाइंड आउट करना है, तो टोटल कितना हो जाएगा. हाँ जी देखिए, तो यहाँ पे देखो 2017 जो है उसके अंदर 2027 की कितनी तारीख है आपके पास में, 10th है ये, 27 बेटा 27 का गलती से लिखा गया, तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास में 10th अक्टूबर आ रहा है. 10th अक्टूबर मतलब नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो गए आपके पास में, हाँ जी 7 से डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, दिस विल बी 3. अब इसका टोटल कीजिए, टोटल कितना हो गया, ये आपके पास हो गया देखिए, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 5 15. ठीक है, 15 और 5 20, 20 और 6 26, ये हो गया बेटा 50.
6, ओके, नंबर ऑफ ऑड डेज आपके पास कितने आ गए, दिस इज 56. अब 56 को अगर हम फर्दर हम चेक करेंगे, दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे, 7 से डिवाइड करते हैं ना ऑड डेज फाइंड आउट करके लिए के लिए, 7 8 जो 56 दैट मींस कि ऑड डेज कितने आ गए आपके पास में, यस देयर विल बी 0 ऑड डेज, ओके, 0 ऑड डेज दैट मींस व्हाट, संडे. ओके, किसी को कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन के अंदर, मैंने दोनों मेथड से बता दिया आपको, दोनों मेथड से बता दिया, आई होप सभी को क्लियर है. नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, या सिलोजियम का क्वेश्चन है आपके पास में, क्या है, सम ग्रीन्स आर ब्लूज, सम ग्रीन्स आर ब्लू, सम ग्रीन्स आर ब्लूज, ओके, नेक्स्ट क्या गया है ना आपके पास, सम ब्लूज आर ब्लैक, सम ब्लूज आर ब्लैक. अब देखिए कितना इजी हो गया, अब हमने कंक्लूजन चेक करने, क्या है, सम ग्रीन्स आर ब्लैक, सम ग्रीन्स आर ब्लैक, दिस इज ग्रीन, दिस इज ब्लैक, नथिंग इज कॉमन, दैट मीन्स व्हाट, कि क्या हो गया ये हमारे पास रॉन्ग हो गया, नो ग्रीन इज ब्लैक, इफ स्टेटमेंट्स आर पॉजिटिव देन कंक्लूजन कांट बी नेगेटिव, दैट मीन्स दिस इज अगेन रॉन्ग. All greens are black. Greens and black. There is no common part. तो जब सम ही नहीं है तो all का तो कहाँ से आ जाएगा, तो ये भी क्या हो गया आपके पास wrong. All blacks are green. अब यहाँ पे देखिए ये black है ये green है. That means कि ये भी क्या हो गया wrong हो गया. सभी के सभी wrong है. So answer क्या आ जाएगा? Neither conclusion one nor two nor three nor four means चारों में से कोई भी ठीक नहीं है. चारों के चारों wrong है. Okay? Yes. Next देखिए. What is the value of x in the sequence? Number series आपके पास आई हुई थी, तो number series बिल्कुल simple थी आपकी, easy level की number series आई हुई थी. देखिए क्या है, 2, 7, 21, 67, 202x and 1822. अब simple देखो क्या हो रहा है, yes, multiply by 3 plus 1, then again 7 21, multiply by 3 plus 1, then multiply by 3 plus 1, multiply by 3 plus 1. तो यहाँ पे देखिए 202 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया आपके पास में, ये एंड प्लस 1, दैट मींस 07, ओके, सो आंसर विल बी 607. आई होप क्लियर है सभी को, हाँ जी. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे एंड विजय स्पेंड एन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी टू बाय सम पेन्स एंड स्पेशल पेंसिल्स ऑफ द सेम क्वालिटी, ठीक है, फ्रॉम द सेम स्टोर. Then, if Jay bought 3 pens and 5 pencils, Jay ने कितना के purchase किया? 3 pens and 5 pencils, and Vijay bought 2 pens and 7 pencils. Okay? Then which one of the following is correct? अब यहाँ पे देखो क्या given है आपके पास में? दोनों ने same amount pay करी है, दोनों ने same amount pay करी है. That means what? यहाँ पे क्या आएगा, दैट मीन्स कि कॉस्ट ऑफ 3 pen and 5 pencil इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 2 pen and 7 pencil. सिंपल सी बात है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये आपका. यस, 3 pens plus 5 pencil इज इक्वल टू व्हाट, 2 pen and 7 pencil. ओके, हियर यू कैन सी पेन को हम यहाँ से लेके आएंगे, दैट मीन्स 1 pen इज इक्वल टू व्हाट, ये इधर चला गया 2 pencil. दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ 1 pen इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 2 pencils. ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या है, द प्राइस ऑफ ए पेंसिल इज इक्वल टू दैट ऑफ ए पेन, ए पेंसिल कॉस्ट मोर देन ए पेन, द प्राइस ऑफ ए पेन इज 2 times द प्राइस ऑफ पेंसिल. तो ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हो 1 pen इज इक्वल टू 2 pencils. ओके, क्लियर. नेक्स्ट देखिए, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी स्कोर 40 मार्क्स मोर देन क्यू, ओके, इन एन एग्जामिनेशन, इफ क्यू स्कोर 10% लेस मार्क्स देन पी, देन हाउ मच डिड क्यू स्कोर. बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया हुआ था. देखिए यहाँ पे परसेंटेज के अंदर कंपैरिजन गिवन है, और साथ में आपके पास में यस डायरेक्ट वैल्यू भी गिवन है. तो अब यहाँ पे अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ, क्या कर रहा है, इफ क्यू स्कोर 10% लेस, P and Q, there are 2%. Q score 10% less, that means if P score 100, then Q score 90. If we want to take the ratio, then ratio will be 10:9. Okay, here
you can see the difference is equal to what? 1 unit is equal to what? 40. अब यहाँ पे आप देख रहे हो P का कितना कम है. Yes, यहाँ पे क्या कह रहे हो कि P का ऐसे यहाँ पे चेक करेंगे कि P के 10 unit है 9 unit क्यों का है. That means कि P score 1 unit more than Q. Okay, and this 1 unit is equal to 40. That means what? Yes, 10 units will be equal to 400. This is equivalent to 400 and 9 unit is equal to 40 into 9. That means 360 units. Okay, that means ki ye ho gaya aapke paas mein 360. Now the question is what? कि क्यों के कितने मार्क्स है. हेयर यू कैन सी क्यों स्कोर 360 मार्क्स एंड पी स्कोर 400 मार्क्स. तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 360. तो आंसर क्या आ गया आपके पास ऑप्शन ए 360. डन. यस क्लियर है सभी को. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. ए पर्सन पी आस्क्स वन ऑफ हिज थ्री फ्रेंड्स एक्स टू हाउ मच मनी ही हैड. पी ने एक्स से क्या पूछा है कि तुम्हारे पास कितना मनी है. There are three person. One is X, Y, and Z. Okay? Yes. X replied. X ने क्या reply किया? If Y gives me 40, if Y gives me 40, then Y will have half as much as Z. तो Y के पास कितना रह जाएगा? आधा रह जाएगा किससे? Z से. That means कि अगर Y मुझे 40 रुपए दे देता है, that means कि Y के पास से 40 rupees less हो गए, तो ये किसके equal हो जाएगा? Z से हाफ हो जाएगा. यही क्या ना y will have half as much as z. is this clear? तो यहां पे अपने पास में इक्वेशन क्या बन गई 2y minus 80 is equal to z. clear. next देखिए आगे क्या कह रहा है ये. yes आगे है आपके पास में but if z gives me 40 rupees, if z gives me 40 rupees, then three of us will have equal amount. अगर Z मुझे दे देता है कितने 40 rupees, तो हम तीनों के पास में इक्वल हो जाएगा. मीन्स कि Z जो है Z के पास से अगर 40 rupees माइनस हो जाते हैं, Z मुझे कितना दे देता है 40 rupees दे देता है. ठीक है, तो तीनों के पास इक्वल हो जाएंगे. तीनों के पास इक्वल दैट मीन्स कि Y के पास Y रुपीज अगर मैं कंसिडर कर रही हूँ, तो ये कह रहा है कि मेरे पास कितने आगे 40 आगे ना, दैट मीन्स कि X प्लस 40. ठीक है, और ये सारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है आपको. दो ही कंडीशंस गिवन थी. फर्स्ट कंडीशन से मुझे ये मिल गया. ठीक है जी. सेकंड जो कंडीशन गिवन है कि अगर जेड मुझे 40 रुपीज़ दे देता है तो सबके पास बराबर हो गए. जेड ने 40 रुपीज़ दे दी एक्स को, दैट मीन्स कि एक्स के पास 40 रुपीज़ बढ़ गए जितने थे. ठीक है, और जेड के पास से 40 रुपीज़ लेस हो गए. सिंपल. अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास में हमें पता है z इज इक्वल टू 2y माइनस 80 है. ठीक है, और यहाँ पे हमें पता है y इज इक्वल टू z माइनस 40. ठीक है, तो अब यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या पता है हमें, z माइनस 40 है. z की वैल्यू क्या है, 2y माइनस 40. दैट मीन्स इसकी जगह पे मैं ये लिख सकती हूँ 2y माइनस 80 है. सॉरी, क्लियर. इसका मीनिंग क्या हो गया, इस z की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, 2y माइनस 80, और माइनस 40 तो बेटा है ही. दैट मीन्स कि y के पास कितना हो गया, 120 हो गया. हाँ जी, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो, बिल्कुल क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट. y के पास कितना हो गया हमारे पास, 120. क्लियर, दैट मीन्स कि y की अमाउंट कितनी है, 120. डन. अब उसके बाद देखो, यहाँ पे आपके पास में और भी कुछ गिवन है क्या, कि z इज इक्वल टू 2y माइनस 80. दैट मीन्स व्हाट, कि अगर इस y की जगह पे मैं 120 पुट कर देती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी. z के पास कितना हो जाएगा, यस दिस इज 2 × 120 − 80 इज इक्वल टू z. ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, दिस इज 240 − 80, दैट मीन्स 160. ओके, दैट मीन्स वट, कि z के पास कितना आ गया आपके पास में, यस z इज इक्वल टू वट, यस z के पास वैल्यू आ गई आपके पास 160. अब बारी आ गई है x की. यहाँ पे क्या है, x प्लस 40 इज इक्वल टू y, x प्लस 40 इज इक्वल टू y, मीन्स वट,
देखिए x प्लस 40 इज इक्वल टू y, y की वैल्यू कितनी है 120, मींस x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 80, क्लियर। तो ये आ गया आपके पास x इज इक्वल टू 80। एंड व्हाट इज अवर क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट x, y एंड z है, तीनों के पास कितना है। तो तीनों का अगर हम सम करते हैं दैट दिस विल बी x प्लस y प्लस z, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 360, सो आंसर विल बी 360। आई होप सभी को क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट इसके अंदर, क्लियर। देखो दो कंडीशंस आपके पास गिवन थी, एक तो ये और दूसरी ये, ठीक है। इन्हीं दोनों के बेसिस पे आप इसको सॉल्व कर लोगे। अगर कंडीशंस क्लियर है तो क्वेश्चंस को आप, क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर लोगे, ओके। तो ये आप ये कह सकते हो कि ठीक था क्वेश्चन, आपका इजी क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था, अगर आपकी कंडीशंस क्लियर है। नेक्स्ट क्या था, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यस, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपके पास, इन ए कोड लैंग्वेज मैथमेटिक्स इज रिटन एज एल बी एस आई डी एन जेड यू एच डी आर। यस, एल बी एस आई डी एन जेड यू एच डी आर, ओके। सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपके पास में कोई इस तरह क्वेश्चन आता है तो हम लॉजिक फाइंड आउट करेंगे कि हाँ जी वो इसको इस कोड के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है। और यहाँ पे आप देख रहे हो क्या हो रहा है, एम से लास्ट नंबर क्या आता है आपके पास एल, दैट मीन्स क्या हो रहा है आपके पास में माइनस वन, ए के बाद क्या है बी, दैट मीन्स की प्लस वन, देन माइनस वन प्लस वन माइनस वन। तो मुझे लॉजिक मिल गया, यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास में माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन, मीन्स एक बार आपके पास प्रीवियस लेटर आ रहा है, फिर आपके पास नेक्स्ट लेटर आ रहा है, प्रीवियस नेक्स्ट प्रीवियस नेक्स्ट, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें केमिस्ट्री का फाइंड आउट करना है बेटा, ठीक है। तो अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, ओके, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है, दैट मीन्स कि हम भी माइनस करेंगे। यहाँ पे माइनस करोगे तो सी से पहले क्या आ रहा है, मीन्स सी से प्रीवियस लेटर आपको बताना है, तो सी से पहले सभी को पता है क्या आता है आपके पास में, यस बी, एच के बाद, एच के बाद क्या आता है आई, ई से पहले डी, एम के बाद एन, ठीक है, आई से पहले एच, ठीक है जी, फिर एस के बाद टी, टी से पहले एस, देन एस एंड एक्स, ओके। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये ऑप्शन कौन सी है, सेकंड है, तो आंसर क्या आ गया आपके पास में सेकंड। पूरा करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ तक आपको चेक करना है, देखा जाए तो यहाँ तक, और तो सभी में डी से शुरू हो रहा है, क्लियर। यस, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एट वन ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स डू द आर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक मेक एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। 180 डिग्री का एंगल कब बनता है हमें पता है, 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा, हाँ जी, जब आपकी क्लॉक के अंदर दोनों आर हैंड और मिनट हैंड स्ट्रेट होंगे, क्लियर, हाँ जी। तो यहाँ पे कह रहा है कि 7 के बाद में, तो अगर मैं देखूँ 7 बजे पहले केस के अंदर, तो 7 बजे क्या होगा, हाँ जी 7 बजे हमारा मिनट हैंड यहाँ पे होगा, आर हैंड यहाँ पे होगा, दैट मीन्स कि गलत है, ठीक है। दूसरे केस के अंदर देखिए 7 एंड 7 5 के अंदर अगर हम देखते हैं तो 7 5 और के अंदर ये देखिए, हाँ जी इस तरह से देखो 7 और 7 5 के अंदर भी नहीं होगा, 7 5 एग्जैक्ट उसके अंदर भी नहीं होएगा, नेक्स्ट के आपके पास 7.75 R to 7 10, तो यहाँ पे बिल्कुल ये करेक्ट है। तो ये हमारे पास में जो वैल्यू है ऑप्शन डी आएगी, ऑब्जर्वेशन से ही आप इसको चेक कर सकते हो, दिस विल बी अराउंड 7:05 and 27 minutes के आसपास, सॉरी 27 seconds के आसपास का टाइम लगेगा, मीन्स कि आप सीधा कह सकते हो कि हाँ जी इन दोनों के बीच में हमारा जो है 180 डिग्री का एंगल बनेगा, किसके बीच में, आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में, ओके। जस्ट ऑब्जर्वेशन से ही क्वेश्चन हो जाएगा आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट 90 क्वेश्चंस 5 मार्क्स आर अलॉटेड फॉर ईच करेक्ट क्वेश्चन।
ये इस टाइप के क्वेश्चंस ना मैंने आपको पहले भी कराया है। देखो क्या है इसके अंदर, कह रहे कि 5 क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपको करेक्ट के लिए और -2 हो रहा है आपके लिए अगर आपका रॉन्ग है। -2 इज डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, आफ्टर अटेम्प्टिंग ऑल 90 क्वेश्चंस ए स्टूडेंट गॉट टोटल ऑफ 387 मार्क्स। व्हाट इज द नंबर ऑफ इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, इनकरेक्ट रिस्पॉन्स के कितने क्वेश्चंस थे। तो अब अगर हम इनकरेक्ट की बात करें, देखो अगर आप एक क्वेश्चन को रॉन्ग करते हो तो सीधी सी बात है 5 नंबर तो एक क्वेश्चन गलत ही हो गया, ठीक है, तो उसके पूरे के पूरे ही कट गए। दूसरा 2 नंबर नेगेटिव के ही कट जाएंगे, दैट मीन्स कि टोटल 7 मार्क्स आपके डिडक्ट हो रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि हर एक के लिए अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो आपके 7 मार्क्स गए, ठीक है ना, 2 नेगेटिव मार्किंग में और एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया तो उसके लिए, ठीक है ना, कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन आपका गया डन। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या गया अपने पास में, अगर आप पूरे 90 के 90 करेक्ट करते हो तो आपके मार्क्स कितने आते, कितने आते, 450। ठीक है, अभी आपने कितना गोट किया है यहाँ पे, कितना आपके मार्क्स हैं, ऑब्टेन मार्क्स हैं 387। दैट मीन्स कि डिफरेंस कितना है 63 का, 63 का डिफरेंस है। तो ये 63 मतलब कि कितने क्वेश्चंस का फर्क पड़ रहा है ये, हाँ जी, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे, 63 मार्क्स। अब मैंने अभी आपको बताया कि एक क्वेश्चन अगर आप रॉन्ग करते हो दैट मीन्स कि 7 मार्क्स गए आपके, ठीक है, तो इसको हम 7 से करेंगे तो सीधा सीधा 9 आंसर आ जाएगा। ओके, सो आंसर विल बी ऑप्शन ए। आई होप सभी को क्लियर है, ठीक है, लग से भी बता देती हूँ मैं, अगर किसी को लग रहा है कि हाँ जी अभी तक क्लियरिटी नहीं आई और हम तो आंसर कुछ और करके आए हैं, तो एक्स से भी बता देती हूँ मैं आपको। देखिए अगर मैं ये कहूँ, अगर मैं ये कहूँ कि हम एक्स क्वेश्चंस करेक्ट करके आए हैं, ठीक है, तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, 5x मार्क्स आ गए आपके, ठीक है। अब आप कहते हो कि अगर हम एक्स क्वेश्चन करेक्ट करके आए हैं तो 5x तो ये हो गए, इसके अलावा रोंग कितने हो गए, टोटल 90 क्वेश्चन है, 90 माइनस एक्स रोंग हो गए तो उतने मार्क्स हमारे कम हो गए, तो कितने मार्क्स ऑब्टेन होंगे, दिस विल बी 387। अब इसको सॉल्व करो आप, दिस विल बी 180 माइनस 2x इज इक्वल टू 387। ओके, अब ये माइनस है, माइनस है तो कितना हो गया हमारे पास प्लस, दैट मीन 7x इज इक्वल टू व्हाट, यस, इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास में वैल्यू आ जाएगी, ये हो गया आपके पास 387 प्लस 180 मीन्स दिस विल बी 7, 6 एंड 5। ओके, तो अगर x की वैल्यू देखो तो डिवाइडेड बाई 7, 81, दैट मीन्स कि 81 क्वेश्चंस करेक्ट है, ठीक है, 81 क्वेश्चंस करेक्ट है, तो रोंग कितने थे, 90 माइनस 81, दैट मीन्स कि 9 क्वेश्चंस रोंग हो गए। क्लियर है, हाँ जी, दोनों बता दिए मैंने आपको मेथड, तो दोनों से अपना सेम ही आंसर आ रहा है, तो आंसर यही आएगा बेटा, ठीक है। वैसे तो आप ये वाला मेथड यूज करो, ये लेंथी पड़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, कंसीडर द फॉलोइंग एडिशन प्रॉब्लम, 3p प्लस 4p प्लस pp प्लस pp इज इक्वल टू rq2, वेदर pqr आर डिफरेंट इज इट, व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल सच पॉसिबल सम्स। अर्थमेटिक मीन आपको फाइंड आउट करना है ऑल पॉसिबल सम्स। तो अब यहाँ पे देखो क्या है, 3p 4p pp pp और यहाँ पे आपके पास है rq2, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अगर मुझे यहाँ पे 2 चाहिए, 2 चाहिए, दैट मीन्स कि जो p है वो किसका मल्टीपल होना चाहिए, यहाँ पे देखो 4p हो गया ना, pp 4p, अब मेरे पास में 4p है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरी यूनिट डिजिट पे 2 आ जाए, ठीक है। सीधी सी बात है, हाँ जी, या तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 × 12, ठीक है, या फिर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूँ तभी मेरे पास में 12 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा ना, या तो हमारे पास में यहाँ पे p की जगह पे क्या हो, 4 हो, ठीक है। अगर p की जगह पे 4 होगा तो अपने पास में यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 2 आएगा, और मुझे यूनिट प्लेस पे क्या चाहिए, 2 चाहिए, ठीक है। या फिर हमारे पास में 8 होना चाहिए, 8 × 4 = 32, दैट मीन्स कि अगर 8 होगा तब भी आपके पास में 2 आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं पॉसिबल केस लेके चलूँ तो हमारे पास में 2 पॉसिबिलिटीज आ रही है, क्या कि जो p है, p की वैल्यू क्या हो सकती है आपके पास में, या तो आपके पास में 3 हो सकता है, ठीक है, या फिर आपके पास में 8 हो सकता है। पॉइंट इज क्लियर।
अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ये नहीं है कि हाँ जी वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है पी क्यू आर की। क्वेश्चन यहाँ पे है आपके पास में क्या कि व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ आर सच पॉसिबल सम्स। तो अगर हम पॉसिबल सम की बात करें तो पहले हम एक केस लेते हैं थ्री वाला। थ्री वाला अगर मैं केस लूँ तो मेरे पास में वैल्यू क्या आएगी, थ्री थ्री फोर थ्री फोर थ्री फोर थ्री। ये यहाँ पे क्या है बेटा, पी पी है। हाँ जी देखिए, थ्री पी फोर पी 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 पी, दो बार है पी पी, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, थ्री थ्री आएगी, ठीक है। उसके बाद अगेन थ्री थ्री, अगर हम इसका सम टोटल करते हैं तो ये हो गया ट्वेल्व और ये हो गया आपके पास में नाइन एंड फाइव, नाइन फाइव फोर्टी, सम इज 142। सेकंड केस लेते हैं एट का। अगर हम एट का केस लेते तो अपने पास में वैल्यू क्या बनेगी, 80 38। 3p लेंगे हम, 3p मीन्स 38, 4p दैट मीन्स कि 48, देन pp 88, देन अगेन pp 88। ओके सॉल्व करोगे दिस विल बी 2। ये हो गया आपके पास में, यस दिस विल बी 26। क्लियर, यस। अब यहाँ पे देखिए अपने पास में हमने फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। अर्थमेटिक मीन मीन्स व्हाट, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, दोनों का हम टोटल करेंगे एंड वी विल डिवाइड इट बाय 2। तो अर्थमेटिक मीन आपके पास क्या आ जाएगा, 142 प्लस 262 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, 404 डिवाइडेड बाय 2 दैट मीन्स 202। सो आंसर विल बी 202। हाँ जी बिल्कुल क्लियर है सभी को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास पी क्यू इंटू थ्री इज इक्वल टू आर क्यू क्यू। ओके व्हाट, वेयर पी क्यू आर डिफरेंट डिजिट्स एंड आर इज नॉट इक्वल टू जीरो। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी प्लस आर डिवाइडेड बाई क्यू। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे तीनों की वैल्यू पता होनी चाहिए, पी क्यू और आर की। तो अगर हम तीनों की वैल्यू देखें तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, पी क्यू को अगर मैं थ्री से मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्या आना चाहिए, आर क्यू क्यू आना चाहिए, ठीक है। मीन्स मुझे यहाँ पे कोई ऐसी डिजिट चाहिए कि जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे सेम डिजिट आए। अब देखो थ्री वन जा थ्री, यहाँ पे वन आएगा तो यहाँ पे थ्री आएगा, थ्री टू जा सिक्स अलग अलग आ रहे, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा तो यूनिट डिजिट पे टू आ रहा है, थ्री फाइव जा तो यहाँ पे फाइव आ रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे भी फाइव, यहाँ पे भी फाइव कब आएगा, जब मैं फाइव से मल्टीप्लाई करूंगी। इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे हमारे पास में, यस कि क्यों के जगह पे क्या चाहिए मुझे, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास फाइव। ओके जब क्यों की जगह पे फाइव आ गया तो बेटा यहाँ पे क्या आ गया, ये भी फाइव आएगा, यहाँ पे ये भी फाइव आना चाहिए। अब यहाँ पे फाइव लाने के लिए मुझे क्या चाहिए, अब मुझे पता है थ्री फाइव जा फिफ्टीन, दैट मीन्स कि वन कैरी आएगी, वन कैरी आएगी। अब मुझे फिर फाइव चाहिए, मुझे फाइव कब मिलेगा, जब मैं फोर के अंदर वन कैरी ऐड करूंगी तभी फाइव मिलेगा। एंड वी नो दैट थ्री एट जो ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर वन कैरी, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट कि अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह एट लेती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, अगेन फाइव आएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास टू आर की जगह पे। मीन्स व्हाट कि पी की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, एट क्या इज इक्वल टू फाइव एंड आर इज इक्वल टू टू एंड वी वॉन्ट टू फाइंड आउट पी प्लस आर, यस पी प्लस आर डिवाइडेड बाई क्यू, पी प्लस आर दैट मीन्स टेन डिवाइडेड बाई क्यू मीन्स फाइव इज इक्वल टू टू। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी टू। ओके क्लियर, हाँ जी आई होप सभी क्वेश्चंस मैंने काफ़ी डिटेल में कराए, आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट आ रहा है आपको कि हाँ जी किसी क्वेश्चन के अंदर कि हाँ जी क्वेश्चन करेक्ट है या रोंग है, ठीक है, तो आई होप इस वीडियो के बाद में उसका वो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। हाँ जी अगर आपको लगा है कि कुछ समझ आया, कहीं ना कहीं वीडियो हेल्पफुल रही है, तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। ओके सो इट वाज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास के अंदर बाकी के जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए 20 क्वेश्चंस उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके सो थैंक यू सो मच, क्लास इज ओवर।